शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। की पोशाक है। अरे अरे इतनी जल्दी में बेटा? आज बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए बहुत जल्दी में ये कान्हा की पोशाक है। पैसे लौटते वक्त ले लेंगे। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। अंजलि बिटिया, ऐसे दौड़ते भागते कहाँ जा रही हो? आज बड़ा खास दिन है, बहुत जल्दी में है काका। खास दिन? आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है। लौटते में बताएंगे। भागना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतने इंतजार के बाद तो शादी की तारीख तय होने का दिन आया है। लगी तो नहीं ना आपको? आज हमें बहुत जल्दी घर पहुंचना है, इसलिए आज सारे काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बाकी आज की कसर हम कल पूरी कर लेंगे, ठीक है? यशी 5 साल बाद लंदन से लौटे हैं, इसलिए उनके बड़े दादाजी है ना, वो भी ऋषिकेश से आ रहे हैं। आप तो जानते हो ना, घर में सब लोग कितने दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। बस अब बड़े दादाजी झट से कुंडली मिलन कर देंगे और फट से शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। गोपाल, सच बताएं तो हम बहुत खुश हैं। आप भी खुश हो ना? बस हो गया, अब चले चलिए।
हमारे गोपाल जी को बचा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। यश, यश जी। अंजलि। Thanks, Mom. अंजलि, तुम अभी तक यहीं हो? घर पे सारी तैयारी होगी क्या? यश के बड़े दादू सुबह 4 बजे से निकल चुके हैं ऋषिकेश से। और हाँ सुन, अलका भाभी को कहना कि उनके लिए खीर जरूर बना ले। आप चिंता मत कीजिए काकी, सारी तैयारियां बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी। वैसे भी जब लड्डू गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है। अच्छा, हम चलते हैं। जय गोपाल। यशी, एक फोटो। थैंक यू। हे हे बेटी, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे अपने पैसे तो लेती जा। इस बार तो तूने कन्हैया जी की पोशाक बड़ी सुंदर बनाई है, जाने क्या जादू है तेरे हाथों में। जय गोपाल काका। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। गाड़ी निकालो, हम दर्शन करके आते हैं। पापा। अच्छा किया तुमने जो सबसे पहले यमुना जी में डुबकी लगा ली। मुझे खुशी है यश कि 5 साल लंदन में रहने के बाद भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले। पापा, मैं लंदन पढ़ाई करने गया था, संस्कार भूलने थोड़ी ना गया था। ला ला। अच्छा चलो, अब जल्दी से द्वारकाधीश के दर्शन कर लो। सुबोध जी के घर टाइम से पहुंचना है। ताऊ जी भी वहीं डायरेक्टली आ रहे हैं। हाँ, सोचकर ही खुशी हो रही है। आज ताऊ जी तुम दोनों की कुंडली मिलन करके आज तारीख निकाल देंगे शादी की, और फिर मैं जल्दी से अपनी बहू को घर ला सकूंगी। यश, अंजलि, अंजलि, आलू भिंडी लाई कि नहीं? बहू जी कब से पूछ रही सब्जी कटी कि नहीं। ये लीजिए, आलू भिंडी टमाटर मूली गोभी सब है इसमें। आप ये बताइए, लाला जी ने चाय पी? तेरे लाला जी बाजार गए, पूछ रहे थे तेरे बारे में। वो आज हम बहुत जल्दी में थे ना, इसलिए लाला जी को मिले बिना ही गोपाल को स्नान करवाने चले गए। अंजलि, जल्दी करना अंजलि, बहुत काम पड़ा है अभी।
अरे माई, पता है ना, जब लड्डू गोपाल साथ हैं तो फिकर की क्या बात है। अंजलि, यहां बैठ। अरे यश, तुझे कहां मिला अंजलि? कैसा है वो? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तुझसे? अरे इतने सवालों के जवाब देने लग गई तो हो गया काम। वैसे भी यश जी तो यहाँ पे आने ही वाले ना, तो तू खुद उनसे सब कुछ पूछ लेना। अब चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे अंजलि रुक तो, पर मैं पहनूं क्या ये तो बता। जा तू एक काम कर, वो जो अपने बर्थडे पे पिंक वाली ड्रेस पहनी थी ना, हाँ वो पहन ले, बहुत सुंदर लगती है उसमें। अंजलि वो नहीं पहन सकती हूँ, वो वाले ड्रेस में मेरा फोटो ऑलरेडी यश ने देखा है। हे गोपाल, आप ही कुछ समझाओ इस ऋचा को। तो फिर वो जो संडे को मॉल से ड्रेस ली थी, हाँ वो पहन ले। परफेक्ट, तभी तो कहती हूँ अंजलि तेरे बिना ना मेरा ऋचा नहीं हो सकता। अरे 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 संभाल अपने आप को, गिर जाती अभी। बच गए, देखा अभी फिर से गिरने वाले थे। लगता है नजर लग गई आपको, काला टीका लगाना पड़ेगा। हाँ माए, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो पेट के सारे चूहे बाहर निकल के भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अभी लाती हूँ। आज भूख के लिए मूंग की दाल का हलवा बना है, तुझे भी पसंद है ना? अरे वाह माई, इसी बात पे एक पप्पी और एक जादू की झप्पी तो बनती है ना। चल चल भूख लगा आप जल्दी से। हाँ। हमें पता है आपको भी हमारी तरह मूंग दाल हलवा बहुत पसंद है ना। आज तो हम दोनों की चाली है गोपाल। जय गोपाल। चल उठ, अब तू भी जल्दी से खा ले, वरना काम में लग जाएगी तो खाने पीने का होश ही नहीं रहेगा तुझे। बैठ जा, ये ले। कटोरी चम्मच लेकर बैठ गई हलवा खाने के लिए। पता है ना जश के बड़े दादाजी आने वाले हैं, घर में इतना काम पड़ा है, तू नहीं कर सकती तो बोल, मैं ही कर लेती हूँ घर का सारा काम। हाँ लेकिन बहू जी, ये शौरी आओ, घर में दिखाती हूँ कितनी गंदगी है। कहा था ना कि घर का कोना कोना शीशे की तरह चमकना चाहिए। हाँ और तू, तेरा दिमाग घास चरने गया क्या? अभी तक आटे की थाली तैयार नहीं करी तूने? बहू जी, उनके आने के पहले हो जाएगा, सब हो जाएगा। गाल बजाने से कुछ नहीं होता, पहले घर का सारा काम खत्म कर और फिर बात करियो, समझी? एक मिनट बहू जी, एक मिनट। तुझे क्या लगता है
हर महीने तू 5,000 रुपल्ली देकर तू इस घर के एहसान चुका देगी। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे नाथ को। तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, पता भी है तुझ पे कितना खर्चा हुआ होगा। गोपाल ने चाहा तो धीरे धीरे सब लौटा देंगे बहू जी, लेकिन अभी हमें फटाफट सारा काम खत्म करना है। दीदी वो डाइनिंग टेबल के पास पोछा लगा दीजिए। आकाश भैया आज 2 लीटर ज्यादा दे दीजिए। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हो गया। हाँ। चलिए जय गोपाल। जय गोपाल। बिटिया कपड़े। रमेश भैया जी लाला जी की कमीज जरा अच्छे से प्रेस कीजिएगा, बाजू पे दो दो क्रीज बन जाती है। चलिए जय गोपाल। जय गोपाल। अरे अंजलि कितनी भूख लगी थी तुझे, ये ले थोड़ा सा खा ले। अंजलि धोबी कपड़े दे गया क्या? हाँ बहू जी अभी लेकर आते हैं। अरे दो चार चम्मच तो खाती जा। आप रसोई में रख दो माई, आरती की थाली सजा के सफा चट कर देंगे। इलायची चीनी और चावल। कैसा मैं नहीं जलानी। अंजलि बेटा अंजलि कहाँ है तू? हम रसोई में हैं लाला जी। ये ले बेटा गरम गरम कचौरियाँ। होली गेट से बल्लू हलवाई से कचौरियाँ लाया हूँ, मुकेश के ताऊजी को बहुत पसंद है। भाई सबसे पहले हमें कचौरियाँ खिलाना है। जी जी लाला जी। क्या कर रही है ये? हट यहाँ से। तुझे पता है ना यश के बड़े दादाजी को मेरे हाथ की बनी खीर पसंद है। गिरिराज जी का फोन आया था, वो पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी करो। अच्छा सुनिए ना है? आप थोड़ी देर इस खीर को चला दीजिए, मैं ना आरती करके आती हूँ। हाँ खीर चलाते हैं। ओहो दुर्लभ दृश्य भाई, इसकी तो फोटो खींच के कल के सारे अखबार वालों को भेज देनी चाहिए। क्यों? और कैप्शन सुनो कि जेके अग्रवाल स्वीट्स के मालिक सुबोध अग्रवाल खीर में कड़छी चलाते हुए। तू मेरा दोस्त ना होकर सिर्फ कंपनी का जनरल मैनेजर होता ना तो तुझे ना मैं अभी नौकरी से बाहर निकाल देता, समझा?
लाला जी आप लोग जरा धीरे रहिए, बहू जी का मूड खराब है, अगर सुन लिया ना तो सब्जियां भी आपसे ही बनवाएंगे। सुशीला काकी ये फूल बदल दीजिए ना, मुरझा गए हैं। यश लगता है यश आ गया। ये क्या, घर में प्रवेश करने से पहले इतना बड़ा शगुन? ये अनहोनी है, तबाही और बर्बादी का संकेत। नहीं, हमारा मन विचलित हो रहा है। आज हम यश और ऋचा का कुंडली मिलन नहीं करेंगे। और आज हम विवाह की तिथि भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें इस विवाह में बाधा का अंदेशा दिख रहा है। बाधा का अंदेशा। ताऊजी सुनिए तो। सुनिए, ऐसा क्या हुआ कि आप? कहा ना, समय प्रतिकूल है, हमें उसके संकेत मिल चुके हैं। उसके बावजूद अगर समय के पहिए को बलपूर्वक घुमाने का प्रयास किया तो याद रखना सुबोध, वो होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक तो अनाथ, ऊपर से अब शुगनी, दिखा देना तूने अपनी औकात। शुभ काम में अपनी टांग मत अड़ाया कर। लेकिन नहीं, हर जगह टपक जाती है अपनी मनु सूरत लेके। किन बहू जी, हम तो चुप। जी
जिसका अंदेशा था वही हुआ। यश की कुंडली में दोष है। सगाई से पहले अंगूठी पहनाना अपशगुन होता है। मैं नहीं पहन सकती, लेकिन तू तो पहन सकती है ना। तेरी तो ना शादी हुई है और ना ही सगाई। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।